બાકી આગળ વધીએ અને હવે જે પરિણામો સામે આવ્યા છે, વધુ એક કંપની ગલ્ફ ઓઇલ નંબર્સ તમને જોવા મળશે. ડેફિનેટલી એક મેજર તમને મૂવ આવતી જોવા મળી રહી છે. ગલ્ફ ઓઇલ લુબ્રિકન્ટ્સના સીએફઓ અને પ્રેસિડેન્ટ મનીષ ગંગવાલ આપણી સાથે. મનીષજી, સબસે પહેલે બહોત બહોત સ્વાગત હૈ આપકા સીએનબીસી બજાર પર, ઓર શુક્રિયા કહેના ચાહુંગા આપને થોડા ઇંતજાર કિયા હમારે સાથ જુડને કે લિયે. મનીષજી, સબસે પહેલે તો નંબર્સ કી હમ બાત કરે, બહોત બહોત એન્કરેજિંગ નંબર્સ હૈ. ચાહે જો ભી ગ્લોબલ સેન્ટિમેન્ટ્સ હો, ચાહે કુછ ભી કહે, જો ડિમાન્ડ સિનેરિયો હૈ વો કાફી રોબસ રહા હૈ, ઓર જિસ પ્રકાર કી નઈ બાઇંગ ભી હો રહી હૈ, ચાહે કોઈ ભી પ્રકાર કે વ્હીકલ્સ કી કહે, ઉસકે સામને ભી હમ દેખ રહે હૈ કિ અચ્છા ડિમાન્ડ મિલ રહા હૈ. મનીષજી, કૈસે નંબર્સ આપને દેખે, ઇસકે સાથ હમ ચર્ચા કી શરૂઆત કરે. जी, आपने बिल्कुल सही कहा. बेसिकली क्या है कि हमारी टॉप लाइन और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है, जबकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा आपने बताया उतना कंड्यूसिव नहीं था. क्रूड ऑयल और फ्लक्चुएटिंग वॉलेटाइल था और रुपी भी डेप्रिशिएट कर रहा था. बट जो डिमांड साइड से जो हमने देखा वो क्वार्टर टू काफ़ी अच्छा गया. हमारी कोर वॉल्यूम जो है वो 10% ग्रो करी है, जबकि हम मानते हैं कि इंडस्ट्री लगभग फ्लैट टू लो सिंगल डिजिट ग्रोथ हुआ होगा. तो हमने क्लियरली 2-3x से ज़्यादा इंडस्ट्री से ग्रोथ करी है. और हमको उसके साथ साथ में प्राइस इंक्रीज लेते हुए हमारी टॉप लाइन जो है वो 35% बढ़ी है. तो ओवरऑल टॉप लाइन के लिहाज से क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, पर कहीं ना कहीं मार्जिन बिकॉज की रुपी डेप्रिशिएट कर रहा था और हमारे 60-70% इम्पोर्ट रहते हैं जो बेस ऑयल हम यूज करते हैं और एडिटिव्स वगैरह भी सब बढ़े हैं प्राइस में. ओवरऑल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, तो उन सब को देखते हुए मार्जिन पे थोड़ा सा हमको प्रेशर रहा, पर हमने काफ़ी प्राइस इंक्रीज लिए हैं, हमने मार्जिन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाई और कंटिन्यूस हमने इस साल में अगर आप देखें तो 3 प्राइस इंक्रीज लिए हैं अभी तक रिटेल सेगमेंट में. और ओवरऑल हम कहीं ना कहीं कॉस्ट इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रही है उसको पास ऑन करने की पोजिशन में हैं. तो वो करते हुए हमने मार्जिन एक बैंड के अंदर थोड़ा मेंटेन किया है, बट हम एक मानते हैं कि आगे आने वाले समय में यहाँ से मार्जिन और बेहतर होंगे. अच्छा सर, अब जैसा आपने बताया कि ये जो सिचुएशन है ऑयल वगैरह का, उसमें एक और चैलेंज ये भी रहा है कि जो फॉरेक्स मतलब रुपए का अवमूल्यन जो हुआ डॉलर के सामने, अब तो थोड़ा स्टेबल हो रहा है लेकिन फिर भी एक जो असर हमने देखा था उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है. क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी इससे कोई असर आता हुआ दिखेगा आने वाले वक्त में? कि जो जैसा मैंने बताया कि हमारे को रुपी जो डेप्रिसिएशन है वो दो तरह से इम्पैक्ट करता है. एक तो हमारी लैंडेड कॉस्ट जो है इम्पोर्टेड मटेरियल की वो बढ़ जाती है, और जो ओपन एक्सपोजर है उसमें हमको फॉरेक्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो मार्क टू मार्केट समझ लीजिए, तो वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट को भी हिट करता है. तो ओवरऑल ये दोनों इम्पैक्ट हमारे को इस क्वार्टर में थे. और आप देखेंगे हमारा फाइनेंस कॉस्ट करीब 10 करोड़ रुपया है, जिसमें से 7 करोड़ रुपया जो है वो रफली हमारा फॉरेक्स का लॉसेज है, तो जिसके चलते हमारा जो पैट है वो हमको थोड़ा डीग्रोथ दिख रही है. बट वो खाली मेनली जो उसमें इम्पैक्ट आया है वो फॉरेन एक्सचेंज का है. और जैसे आप देख रहे हैं लास्ट 2 दिन से रुपी थोड़ा स्टेबल हो रहा है, और अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये एक बैंड के अंदर स्टेबलाइज हो जाए तो फिर हमारे को आगे जाके मार्जिन में हम इम्प्रूवमेंट ले पाएंगे. और जैसा मैंने बताया हमने सेप्टेम्बर के एंड में एक और प्राइस इंक्रीज लिया है रिटेल सेगमेंट में, जिसका इफेक्ट भी इस क्वार्टर से पार्शियली और नेक्स्ट क्वार्टर से फुली नजर आएगा. तो ये सब हम मार्जिन मैनेजमेंट के एक्शन लेते रहते हैं, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि मार्जिन एक बैंड में हम स्टेबल होंगे आगे जाके. ओके, तो ये हम ध्यान में ज़रूर रखेंगे. और सर के साथ सर मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से अब ग्लोबल जो टेंशन्स हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं और फ्रेट रेट्स जो हैं वो भी थोड़े से अब कम हो रहे हैं, सो अब हमें ये मानना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो भी चैलेंजेस थे हमारी, ये जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होती थी वो सब चीज़ें अब कम हो जाएंगे. का अगर बेनिफिट हमको मिलना चालू होता है, देखिए हम भी इन्वेंट्री 2-3 महीने की इन्वेंट्री यूजुअली हर प्लेयर कैरी करता है, तो कहीं ना कहीं एक क्वार्टर के बाद में जाके ये बेनिफिट्स हमको नजर आएंगे. और डिमांड कंडीशंस, ये सीजनली वीक क्वार्टर था Q2 हमारा, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्च तक यूजुअली डिमांड अच्छी रहती है, तो वो भी एक डिमांड की साइड से हमको टेलविन मिलेगी. रूरल में कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्लोडाउन है, लिक्विडिटी के चैलेंजेस हैं, तो रूरल अगर बाउंस बैक करता है एक अच्छे मानसून के बाद में तो वो और हमको एक एडेड एडवांटेज देगा. और कहीं ना कहीं हमारी जो मोटरसाइकिल सेगमेंट की जो सेल है जो थोड़ी कम हुई है, और एग्री सीजन जो उतना अच्छा नहीं गया Q2 में,
तो ये दोनों सेगमेंट अगर बाउंस बैक करते हैं तो हमको और इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल मैक्रो साइड से वरीज थोड़ी कम हो रही है।